कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। खाद्य तेल मार्केट से जुड़ी खबरें आ रही हैं, खास तौर से मलेशिया पाम तेल को लेकर और सरसों के बाजार को लेकर। विस्तार से इस खबर पर नजर डालते हैं, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो तेल मिलों की खरीद सीमित होने के कारण घरेलू बाजार में जो वीकेंड वाला दिन रहा, शनिवार के दिन, वहां पर जो दाम स्टेबल देखे गए, सरसों सीड के 7,075 रुपए तक का रेट देखा गया। जयपुर में इस दौरान जो दैनिक आवक रही वो 2,70,000 बोरियों के आसपास सरसों में बनी रही। विदेशी जो बाजार है, यहाँ पर चालू सप्ताह के अंत में खाद्य तेलों की कीमतों में मिला जुला रुख देखा गया। और इसके अलावा व्यापारियों के अनुसार मलेशिया में प्रतिकूल मौसम का असर पाम के उत्पादन पर भी पड़ने का डर नजर आ रहा है, इसीलिए वैश्विक बाजार में भी खाद्य तेल की कीमतों में हाल में ही तेजी आई है। अगस्त की तुलना में अगर देखा जाए तो 1 से 15 सितंबर के दौरान पाम तेल के उत्पादन में 4% तक की गिरावट के साथ कारोबार देखा गया। घरेलू बाजार में सरसों तेल जो है उसी कीमतों में लगातार दूसरे दिन गिरावट दर्ज करी गई। साथ ही इस दौरान सरसों खल के जो दाम है वो भी बहुत ज्यादा कमजोर होते हुए नजर आए। प्रमुख उत्पादक राज्यों में मंडियों में जो दैनिक आवक है वो लगातार दूसरे दिन भी स्टेबल बनी रही। हालांकि उत्पादक राज्यों में स्टॉक उत्सव के साथ साथ किसानों के पास भी सरसों का जो बकाया स्टॉक है वो इस वक्त कम होने लगा है। स्टॉकिट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा दाम घटाकर सरसों की बिकवाली करना नहीं चाहते हैं। एक अच्छा सीजन आने वाला है, घरेलू बाजार में भी अच्छी डिमांड के चलते तो मार्केट में तेजी देखी जाएगी। घटे भाव पर स्टॉकिट्स बहुत ज्यादा बिकवाली नहीं करेंगे तो बाजारों में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं देखी जाएगी। और इसके अलावा मलेशिया में जिस तरह से प्रोडक्शन घट रहा है, उत्पादन घट रहा है पाम का, उसको देखते हुए पाम तेल में भी फिलहाल बहुत ज्यादा गिरावट आने के अनुमान नजर नहीं आ रहे हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप सभी खबरों के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।